राज्य सरकार ने तय किया है कि वह स्थानीय निकायों के चुनाव होने से पहले ही ओबीसी आरक्षण का डाटा जुटाकर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश कर देगी, ताकि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव न हो पाए। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई बैठक में यह रणनीति तय की गई। सूत्रों के अनुसार बैठक में कहा गया है कि राज्य चुनाव आयोग को स्थानीय निकाय चुनाव के लिए सभी प्रवर्गों का आरक्षण तय करने में कम से कम 2 माह लगेंगे। इसके पहले पूर्व मुख्य सचिव जयंत कुमार बांठिया की अध्यक्षता में नियुक्त आयोग ओबीसी का राजनीतिक पिछड़ापन सिद्ध करने संबंधी डाटा जुटा देगा। वह डाटा सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा और ओबीसी आरक्षण को यथावत बनाए रखने का आग्रह किया जाएगा। प्रभाग रचना का अधिकार राज्य चुनाव आयोग को दे देने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि राज्य सरकार द्वारा यह अधिकार अपने हाथ में लेना अवैध है, साथ ही इस पर रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने एम्पिरिकल डाटा के आधार पर ओबीसी आरक्षण देने का विकल्प दिया है। चुनाव आयोग से चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य चुनाव आयोग का रुख समझने के लिए राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी 1-2 दिन में आयोग से चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को फैसला सुना सकता है। उस फैसले को लेकर उत्सुकता है। Love you, Deepika. Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।